प्रदेश इतने संकट में आपके अनुसार, भाजपा इतना प्रदेश को परेशान कर रही है और ऐसे में आप रणछोड़ हो रहे हैं। दीपक जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये रणछोड़ नहीं है, क्योंकि रणछोड़ उसे कहते हैं जो मैदान से भागता है। आप ही तो कह रहे हैं मैं चुनाव की राजनीति से अलग हो रहा हूं, मैदान से नहीं भाग रहा। मैदान से भागना तो ये होता है कि मैं सरेंडर कर देता इन लोगों के सामने जी। और इनकी फॉर्च्यूनर का टायर मेरे घर भी आ जाता जी, उसे सरेंडर कहते हैं। मैं तो इनके खिलाफ लड़ूंगा। मैंने ये मान लिया है कि जैसे मेरे पिताजी ने कुछ उसूल बनाए थे, उन उसूलों के आधार पर इस लड़ाई को मैं यहां नहीं रोकूंगा। इन सब लोगों को जब तक जेल के सिकंजे में नहीं भेजू बागली के दोषियों को, तब तक मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं राजनीति करता रहूंगा। तो कैसी राजनीति करेंगे जिसमें आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता के साथ अपना समर्थन नहीं दिखाएंगे, अपना वजूद नहीं दिखाएंगे? नहीं, वजूद जरूरी नहीं कि पद से होता है। महात्मा गांधी के पास कोई पद नहीं था, जयप्रकाश नारायण जी के पास कोई पद नहीं था। हम तो यहां भी बात करें कि मामा बालेश्वर दयाल के पास कोई पद नहीं था। आदमी अगर जन जागृति के लिए तैयार होता है तो भले ही थोड़े से इलाके में, मैं मानता हूं, लेकिन अपनी जन जागृति के माध्यम से वहां कुछ न कुछ